अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और आप देख रहे हैं हारून टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, अच्छी वीडियो कार्बेटर के बारे में। कार्बेटर की सारी इन्फॉर्मेशन अभी ये उस्ताद हमारे यहाँ ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जो सीडी के साथ कार्बेटर आता है वो इस किस्म का छोटा, इसका ये सुराख जो एग्जॉस्ट का होता है ये छोटा होता है, और जो एक्सेलेटर पिस्टन जो स्लाइड आती है ना, इसका भी सुराख ये छोटा होता है। अगर आपने मोटरसाइकिल के साथ अल्ट्रेशन किए कि मेरा मोटरसाइकिल में पिस्टन अगर आपने बड़ा डाला हुआ है कि आपका मोटरसाइकिल छिकाई नहीं कर रहा या पिक नहीं कर पकड़ रहा, तो उसके लिए आपने ये CD100 का कार्बोरेटर देखो। ये देखो इसका सुराख बड़ा है, एक्सेलेटर का जो पिस्टन है ना, ये जो स्लाइड इसमें डलती है, इसका भी सुराख बड़ा है। ये चेक करें, इसका सुराख चेक करें और इसका सुराख चेक करें, ठीक है। इधर से एग्जास्ट पूरी लेगा एग्जास्ट, और मोटरसाइकिल भागने में भी अच्छी प्रॉम देगा। तो ये चेक करें, इसका एक्सेलेटर वाला ये सुराख भी चेक कर लें, ये जहाँ पे स्लाइड डलती है इसका सुराख बड़ा है, इसका छोटा है, और इसकी वजह से जो है ना मोटरसाइकिल जो है एक्सेलेटर भी बड़ा हो जाता है, छिकाई भी ज़्यादा करता है। तो आइए आपको इसका लगाने का तरीका भी बता दें, ये चेक कर लें आप। तू भी चेक कराओ। ये देखें, ये CD100 का पिस्टन है एक्सेलेटर वाला, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, जो मैंने अभी इसका कार्बोरेटर उतारा है, चेक करें। उसमें भी इसमें बहुत फ़र्क है, मोटाई में भी लंबाई में भी फ़र्क है, ठीक है। चलो आज आपको कार्बोरेटर लगाने का तरीका बताते हैं। ये आपने कार्बेटर फिट करने से पहले जो इसका जैन है, इसको आपने अच्छी तरह सिलिकॉन लगा के लगाना है, ताकि इधर से हवा लीक ना करे। हवा जब लीक करेगा आपका मोटरसाइकिल स्लो पे खड़ा नहीं होगा, बंद हो जाएगा। अभी हम इसका जो है ना कार्बेटर भी फिट करेंगे। ये हम अभी कार्बेटर फिट कर रहे हैं। आपने 10 नंबर के काबले लगाने बड़े वाले, और काबले लाजमी चेक करने हैं। तो टाइट जो है ना, ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना, ये टूट जाते हैं ज़्यादा ओवर टाइट करने से। ये 10 नंबर के चाबी से आपने टाइट करना है इनको। कई मोटरसाइकिल का जो है ना 8 नंबर के आता है, तो आपने 8 नंबर के चाबी से टाइट करनी है। 10 और 8 के अलावा और कोई काबला इधर नहीं लगा होता। ये आपने बैंड के चारों काबले अच्छी तरह टाइट करने हैं और पेट्रोल पाइप लगाना है आपने। पेट्रोल खोलने के बाद इसका आपने जो ओवरफ्लो वाला पाइप है वो भी आप लगा लें, ताकि जब ओवर हो तो इंजन के ऊपर पेट्रोल ना गिरे। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और आपको इसकी रेस चेक करवाएंगे। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। अभी हम इसकी जो है ना
पेट्रोल की थोड़ी सेटिंग करेंगे ताकि पेट्रोल मुनासिब खाए। ये राइडर 300 कम कार्बेटर है, वो भी बहुत मुनासिब पेट्रोल खाते हैं, ये भी पेट्रोल मुनासिब खाएगा, बस सेटिंग तक होता है। ये इसका इस तरफ है पेट्रोल वाला मिक्सचर, आप इसको जितना खोलेंगे उतना पेट्रोल कम होगा और जितना टाइट करेंगे उतना ज़्यादा होगा, तो इस लिहाज से रखें ताकि सर्दियों में सुबह आपका मोटरसाइकिल पहले पे स्टार्ट हो। तो ये पुराना कार्बेटर है जो हमने इसका उतारा है, इसका चाइना का डॉन मॉडल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।